ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो हम आज आ चुके हैं गाय घाट, जो कि नया जेपी सेतु का ये उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से बन के तैयार हुआ है, आपको पूरे वीडियो देख के समझ में आएगा। मार्किंग वगैरह कर दी गई है और कहीं कहीं बीच में डिवाइडर भी लगा दिया गया है जहाँ पे आवश्यक है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ मरीन ड्राइव पे। तो पहले डे का मैं दिखाता हूँ कि दिन में ये कैसा लगता है, उसके साथ ही साथ इस पे मैं नाइट रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ कि नाइट में ये कैसा हो गया है। उद्घाटन के बाद का ये सीन ये देख सकते हैं, एक साइड तो ब्लैक टॉप हो ही चुका है, दूसरे साइड भी ब्लैक टॉप का काम हो चुका है। लगभग आपको ये ब्लैक टॉप का काम जो है दूसरे साइड का रानी घाट तक ये आपको दिख जाएगा। ये रहा साइड में PMCH, अब PMCH के जस्ट बगल में उसका ये अप्रोच रोड और उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये गंगा का नज़ारा जो कि अभी पानी से पूरा लबालब है। तो दोस्तों ये रहा, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाय घाट की तरफ बढ़ते हुए PMCH के जो लास्ट छोर होता है उसके जस्ट सामने वाले जेपी पथ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइड बैरियर लग चुका है। मतलब यहाँ से जाने के लिए मना है क्योंकि यहीं से जो है अनावरण होने वाला है यहाँ से गाय घाट तक का, इसलिए यहाँ पे पाबंदी लग चुकी है नॉर्मल किसी इंसान के जाने के लिए। तो ये देख सकते हैं उसके नीचे ये घाट का नज़ारा। तो ये है दोस्तों अंटा घाट का नज़ारा, देख सकते हैं वाटर लेवल किस हद तक बढ़ चुका है। और कहा जा रहा है बहुत सारे न्यूज में भी कि नेपाल से बहुत सारा पानी छोड़ा गया है, 35 साल बाद इतना पानी ऐसा छोड़ा गया है, बाढ़ का खतरा हो सकता है। जो भी हो, मैं घाट पे जो वाटर लेवल बढ़ चुका है उस पर वीडियो ज़रूर लाऊँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं दिन का नज़ारा गाय घाट का, तो चलते इसका नाइट का रिव्यू दिखाते हैं आपको। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें मिल जाता है रानी घाट का नज़ारा, जो कि काफ़ी सजा हुआ है लाइट्स वगैरह से। और घाट के किनारे कुछ इस तरह का सीन है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से माँ गंगा रात के समय में दिखती हैं, कितना भव्य है और पानी भर चुका है देख सकते हैं। तो इस तरह से जो रास्ता जो मुड़ के गया है गाय घाट की तरफ और इसके जेपी पथ पे बहुत सारे साइड में लोग बैठे हुए हैं। मतलब अनावरण जब से हुआ था पूरी रात भर बहुत सारे फैमिली वाले लोग यहाँ पे घूम भी रहे थे। हम बात करते करते आ चुके हैं गाय घाट गांधी सेतु के नीचे से गुजरते हुए, और देख सकते हैं बहुत सारे बोर्ड लगे हुए, फूल मालाएं भी लगी हुई थी, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिवाइडर भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ से आवाजाही करना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे फैमिली वाले लोग भी यहाँ घूम रहे हैं। जो पहली बार आए हैं वो देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है लोग, काफ़ी खुशी का माहौल है। दोस्तों ये था जेपी गंगा पाथवे का अपडेट। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।